अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए गोंडा में जिला अस्पताल को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अस्पताल में डॉक्टर व कर्मचारी तैनात रहे, साथ ही उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। आपातकालीन को देखते हुए इमरजेंसी सहित बेडों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है कि अगर कोई भी घटना घटी तो जिला अस्पताल पहले से ही उनके उपचार के लिए पूरी तरीके से रेडी रहे। वही जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर अरुण लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। इमरजेंसी सहित वार्डों में बेड को लेकर व्यवस्था बनाई गई। कर्मचारियों को चौकन्ना रहने का आदेश दिया गया है। इमरजेंसी के डॉक्टर विनय गुप्ता ने इस कड़ी में बताया कि जिला प्रशासन ने निर्देश दिया था जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं अलर्ट रखें, डॉक्टर कर्मचारी तैनात हैं। इसको देखते हुए 30 बेड इस समय इमरजेंसी ट्रॉमा वार्ड में खाली करा दिया गया है। कर्मचारी एजेंडा डॉक्टर बैठे हुए हैं। आपातकालीन कोई भी स्थिति में हम अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। हमने सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मचारी अपने अपनी जगह पर ड्यूटी पर रहने के लिए कहा है। सारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ में सब अपने लिए बैठे हुए हैं और इमरजेंसी के लिए देखते हुए एम्बुलेंसेज और वो गाड़ियों को तैनात कर दिया गया है और करीब करीब 20-25 बेड्स 25 या 30 के आसपास बेड्स खाली करके उनको रखा गया है तैयारी करके इन केस ऑफ इमरजेंसी में बेडों की शॉर्टेज में। क्या कर्मचारियों की जो उनको भी बुलाया गया वापस या रद्द की गई? पे तो कोई था ही नहीं क्योंकि छुट्टियां तो ऑलरेडी जिला अधिकारी द्वारा कैंसिल कर दी गई थी तो कोई भी छुट्टी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये सैटरडे संडे के लिए स्पेशली उनको बुलाया गया है। आज को लेकर क्या कर्मचारी बढ़ाए भी गए हैं? नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पर सफिशियंट कर्मचारी हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज़ में हैं। इतवार को जहाँ तक ख्याल है, इतवार को क्योंकि अस्पताल नॉर्मल वे में रन नहीं करता, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शन है कि इतवार को भी अस्पताल चलेगा। प्रशासन की तरफ से जो आया है अलर्ट रहने के लिए, यहाँ तो पूरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर अपने टाइम से पहले भी आ चुके हैं और मरीज के हित में जितना कार्य होगा सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे कसूर है। क्या कोई स्पेशल वार्ड भी बनाए गए हैं? इमरजेंसी है, वो जरूरत पर इमरजेंसी भी है और उसके बाद में वार्ड भी है जहाँ शिफ्टी किया जाएगा मरीज। कितने बेड ऐसे किए अनुमान? कम से कम 30 बेड खाली है उनके लिए। अगर कोई दंगा फसाद होता है तो उनके लिए 30 बेड अभी खाली है और ज़रूरत पड़ने पे और खाली है।